श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद के द्वादश अध्याय में हमने देखा कि विष्णु जी की के मोहिनी स्वरूप को देखकर महादेव जी भी मोहित हो गए, और उसमें जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं हो सकती, और भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्रभु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया। उनके चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करें वे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। अथ त्रयोदशोध्याय। आगामी 7 मन्वंतरों का वर्णन। श्री शुक उवाच। मनुर्विवस्वत पुत्र श्राद्ध देव इति श्रुत सप्तमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि मे शृणु इक्ष्वाकुर्न भगश्चैव द्रष्टशर्यातिरेव च नरीष्यन्तोथ नाभाग सप्तमोदिष्ट उच्यते करुषस्य प्रसद्रस्य दशमो वसुमान स्मृत मनोर्वेवस्वतस्येते दशपुत्रा परन्तप आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवामरुद्गणा अश्विना वृषभो राजिन्द्र स्तेषां पुरन्दर कश्यपोर्त्रीवसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्नीर्भरद्वाज इति सप्तर्षय स्मृतः अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपाददितेरभूत् आदित्या नाम वर्जो विष्णुर्वामनरूपद्रक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्धदेव ही सातवें विवस्वत मनु हैं। यह वर्तमान मन्वंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का मैं वर्णन करता हूँ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभक, ध्रष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रश्रद्र और वसुमान। परीक्षित, इस मन्वंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुद्गण, अश्विनी कुमार और रिभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं, और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तर्षि हैं। इस मन्वंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में विष्णु भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। संक्षेपतो मयोक्तानि सप्त मन्वंतराणि ते भविष्याण्यथ वक्ष्यामि विष्णु शक्त्यान्वितानि च विवस्वतश्च द्वे जाये कर्म विश्वकर्म सुते उहे संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभीते तव तृतीया वाड वड्वामिके तासां संज्ञा सुताश्रय यमो यमी श्राद्धदेव छाया याश्च सुताश्रुणु सावर्णीस्पति कन्या भार्या संवरणस्य या शनेश्चरस्तृतीयो भूदश्विनो वड़वात्मजो अष्टमेंतर आयाते सावर्णिर्भविता मनु निर्वो कविरजस्काध्या सावर्णित नया नृप तत्र देवासुतपसो विरजामृत प्रभा तेषाम विरोचन सूत्रो बलिरिंद्रो भविष्यति दत्ते माम याचमानाय विष्णवेय पदत्रयम् राधमिन्द्रपदं हित्वा तथा सिद्धिमवाप्स्यति योऽसौ भगवता बद्धप्रीतेन सुतले पुनः निवेशितोऽधिके स्वर्गाधुनास्ते
स्वराडिव गालवो दीप्तिमान रामो द्रोणपुत्र कृपस्तथा ऋष्यश्रृंग पितास्माकं भगवान बादरायणः इमे सप्तर्षयत्र सप्तर्षयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः इदामी मासते राजन स्वे स्वाश्रम मंडले परिचित। इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुम्हें सात मनवंतरों का वर्णन सुनाया। मैं भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले सात मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परिचित, यह तो तुम्हें पहले छठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की दो पत्नियाँ थी, संज्ञा और छाया, दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी वडवा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का नाम ही वडवा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से तीन संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्धदेव। छाया के भी तीन संतानें हुई, सावर्णी, शनेश्चर और तप्ती नाम की कन्या जो संवरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने वड़वा का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। आठवें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे, उन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से तीन पद पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, किंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वही इंद्र के समान विराजमान हैं, आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा कृपाचार्य और ऋष्यश्रृंग हमारे पिता भगवान व्यास, ये आठवें मन्वंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुह्या सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभु स्थानं पुरन्दरादहत्वा बले दास्यतीश्वर नौमो दक्ष सावर्णिर्मनो वरुण संभव भूतकेतुदीप्तकेतुरीत्याध्यास्तसुता नृप पारामरीचिगर्भाभा गर्भाध्या देवाइन्द्रोदभुत स्मृतः द्युतिमत् प्रमुखास्तत्र भविष्यतस्ततः आयुष्मतोऽम्बुधाराया मृषभो भगवत्कला भविता येन संराधा त्रिलोकी भोक्ष्यते द्भुतम्। दशमो ब्रह्म सावर्णी रूप श्लोक सुतो महान तत्सुता भूरीशेणाध्या हविष्मत् प्रमुखा द्विजा हविष्मान सुकृती सत्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजा सुवासन विरुद्धाध्या देवा शंभु सुरेश्वर विश्वक्सेनो विशुच्यां च तु शंभो सख्य करिष्यति जातस्वाशेन भगवान ग्रहे विश्वसजो विभुः मनुर्वे धर्म सावर्णी रेकादशमात्मवान अनागतास्तसुताश्च सत्यधर्मादयो दश विहंगमा कामगमा निर्वाण रुचयस्सुरा इंद्रश्च वैद्रस्तेषां मृषयश्चारुणादय आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः। वैद्रतायां हरेरंस्त्रोकी धारिष्यति भविता रुद्र सावर्णी राजन् द्वादशमो मनु देवा देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयः सुता ऋतद्धामा च तत्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः ऋष्यश्च तपोर्मूर्तिस्तपस्वाग्निध्रकायद कादयः स्वधामाख्यो हरेरंश साधयिष्यन्ति तन्मनो अन्तरं सत्यसहस सूनृताया सुतो विभुः। देवगुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा, ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीन कर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी नवे मनु होंगे, भूत केतु दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे, पार मरीज गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तर्षि होंगे। आयुष्मान की पत्री अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा।
अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। दसवें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी, उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिसेन आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तर्षि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे। और इंद्र होंगे शंभु, विश्वसृज की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। ग्यारहवें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावर्णी, उनके सत्य धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण, रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुण आदि सप्तर्षि होंगे और वैधरत नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्री वैधरता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित, बारहवें मनु होंगे रुद्र सावर्णी, उनके देववान उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मन्वंतर में ऋतुधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण, तपोमूर्ति, तपस्वी, आग्निध्रक आदि सप्तर्षि होंगे। सत्य सहा की पत्नी सुनरता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मन्वंतर का पालन करेंगे। मनुस्त्रयोदशो भावयो देव सावर्णिरात्मवान, चित्रसेन विचित्राध्या देव सावर्णि देहजा, देवासु कर्म सूत्रान सूत्राम संज्ञा इंद्रो दिवस्पति, निर्मोक तत्व दर्शाध्या भविष्यत्रस्तदा, देवहोत्रस्य तनय उपहर्ता दिवस्पते, योगेश्वरो हरेरंशो बृहत्याम संभविष्यति, मनुर्वा इंद्र सावर्णिश्चतुर्दशम एष्यति, उरु गंभीर बुद्ध्याध्या इंद्र सावर्णि वीर्यजा, पवित्राश्चाक्षुषा देवा शुचिरिंद्रो भविष्यति, अग्निर्बाहु शुचिशुद्धो मागधाधास्तपस्विनः, सत्रायणस्य तनयो बृहद भानुस्तदा हरिः, विना वितानायाम महाराज क्रियातंतु वितायिता, राजश्चतुरशैता चतुर्दश शैतानि त्रिकालानुगतानि ते, प्रोक्तान्येर भीर्मित कल्पो युगसाहस्र पर्ययः। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावर्णी, चित्रसेन विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा दिवस्पति। उस समय निर्मोक तथा तत्वदर्श आदि सप्तर्षि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहती के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उस रूप में भगवान दिवस्पति को इंद्रपद देंगे। 14वें मनि होंगे इंद्र सावर्णी, उरु गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तर्षि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी वितानना के गर्भ से बृहद वाणु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्मकांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मन्वंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1000 चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। यदि श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम अष्टम स्कंधे मन्वंतरानुवर्णनम नाम त्रयोदशोध्याय संपूर्ण। ओम गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।